तो दोस्तों ये है Vivo का सबसे सस्ता 5G स्मार्टफोन जिसका नाम है Vivo T2X 5G जो कि सुंदर कलर एरोरा गोल्ड के साथ हमारे पास अवेलेबल हो चुका है। एंड इस फोन में आपको लेटेस्ट फनटच OS 13 एंड Android 13 का अपडेट आउट ऑफ द बॉक्स मिल जाता है जिसके मदद से इस फोन में काफी सारे हिडन फीचर्स मिल जाते हैं। सो फ्रेंड्स अगर आपके पास Vivo T2X का डिवाइस है या फिर दोस्तों अगर आपको Vivo T2X डिवाइस को परचेस करना है सो आज का वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा यूजफुल रहने वाला है क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में Vivo T2X स्मार्टफोन के काफी सारे हिडन फीचर्स टिप्स एंड ट्रिक्स मैं आपको बताने वाला हूँ जिसको यूज करके आप इस ड्रेस को और भी अमेजिंग तरीके से यूज कर पाएंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग रहने वाला है तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखते रहिए। सो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट गेट स्टार्टेड। तो दोस्तों अगर आपने भी Vivo T2X डिवाइस परचेस किया है तो आप मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बता सकते हैं एंड कौन सा कलर परचेस किया है वो भी कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। तो चलिए दोस्तों Vivo T2X 5G डिवाइस के सबसे पहले फीचर्स के बारे में बात करेंगे, सबसे पहले टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में बात करेंगे। फॉर एग्जाम्पल दोस्तों अगर आपके फोन में होम स्क्रीन पर काफी सारे एप्लीकेशन के जो आइकॉन्स अगर यहाँ पे इधर उधर बिखरे हैं सो उनको एक साथ लाइन में कैसे अरेंज करना है मतलब कैसे फील करना है तो जस्ट हमको क्या करना है, 2 फिंगर्स से पिंच ऑफ करना है होम स्क्रीन पर एंड होम स्क्रीन पर जाने के बाद हमको डिवाइस को शेक करना है। तो डिवाइस को शेक करने के बाद आप देख सकते हैं काफी सारे एप्लीकेशंस इधर उधर बिखरे थे ऑटोमेटिकली यहाँ पे फिल हो चुके हैं। इसके बाद दोस्तों अगली हिडन फीचर्स के बारे में बात करेंगे। जैसे ही दोस्तों फोन के बैक साइड में जो आपको LED फ्लैशलाइट मिल जाता है जस्ट डिवाइस को शेक करेंगे तो डिवाइस को शेक करने के बाद आप इस मेथड से LED फ्लैशलाइट को ऑन कर सकते हैं। तो बार बार आपको सेटिंग में जाने की जरूरत नहीं है, नोटिफिकेशन पैनल से। सो अगर आपको क्विकली इमरजेंसी टॉर्च लाइट को ऑन करना है तो जस्ट डिवाइस को शेक करने के बाद आप इस मेथड से टॉर्च लाइट को ऑन कर सकते हैं। लेकिन इस फीचर को इनेबल करने के लिए हमको सिंपल जाना है सेटिंग में। सेटिंग में जाने के बाद जाना है शॉर्टकट्स एंड एक्सेसिबिलिटी में एंड इसके अंदर आपको एक फीचर मिल जाएगा स्मार्ट मोशन एंड स्मार्ट मोशन के ऊपर क्लिक करेंगे तो सबसे लास्ट देख सकते हैं शेक टू टर्न ऑन LED फ्लैशलाइट, इस फीचर को ऑन करना है। तो इस फीचर को ऑन करने के बाद डिवाइस को जैसे ही शेक करेंगे तो डिवाइस को शेक करने के बाद जो बैकलाइट में टॉर्च लाइट है वो ऑन हो जाएगा। चलिए दोस्तों बात करेंगे अगले हिडन फीचर्स के बारे में। जैसे दोस्तों अगर आपका फोन यहाँ पे लॉक कंडीशन में है एंड लॉक कंडीशंस में अगर आपको किसी भी एप्लीकेशन को इमरजेंसी लॉन्च करना है मतलब ओपन करना है सो लॉक कंडीशन में देखेंगे जो वॉल्यूम डाउन बटन है लॉन्ग प्रेस करना है। सो वॉल्यूम डाउन बटन यहाँ पे लॉन्ग प्रेस करने के बाद किसी भी एप्लीकेशन को आप इमरजेंसी ओपन कर सकते हैं एंड इस फीचर को इनेबल करने के लिए सिंपल हमको जाना है सेटिंग में। उसके बाद आपको जाना है शॉर्टकट एंड एक्सेसिबिलिटी में एंड उसके अंदर आपको मिल जाएगा फीचर क्विक एक्शंस। तो जस्ट आपको क्विक एक्शंस को इनेबल करना है। इसको इनेबल करने के बाद नीचे के साइड में देख सकते हैं काफी सारे एप्लीकेशंस अगर आपको शॉर्टकट के लिए सिलेक्ट करना है तो काफी सारे एप्लीकेशंस बाय डिफॉल्ट सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर आपको कोई भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस को सिलेक्ट करना है तो कोई भी फोन का जो थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस है शॉर्टकट के लिए सेट कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं वॉल्यूम डाउन बटन लॉन्ग प्रेस करने के बाद यहाँ पे क्विकली देखेंगे किसी भी एप्लीकेशंस को लॉन्च कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों इस Vivo T2X 5G डिवाइस में आपको एम्बिएंट लाइट का भी फीचर मिल जाता है जो कि डायनेमिक इफेक्ट में देखने को मिल जाता है। तो सेटिंग में जाएंगे एंड सेटिंग में जाने के बाद डायनेमिक इफेक्ट में जाएंगे तो आपको यहाँ पे 2 नंबर पे एम्बिएंट लाइट का फीचर मिल जाता है। सो एम्बिएंट लाइट फीचर इनेबल करने के बाद आपके फोन में जितने सारे नोटिफिकेशंस आ जाएंगे, जितने सारे इनकमिंग कॉल्स आ जाएंगे तो आपके फोन में देख सकते हैं लॉक स्क्रीन पर इस टाइप का देखेंगे बॉर्डर पे लाइटिंग इफेक्ट देखने को मिल जाएगा। एंड इसके अलावा दोस्तों आपको काफी सारे कस्टमाइजेशन के फीचर्स मिल जाते हैं मतलब दोस्तों आपके सामने काफी सारे देखेंगे स्टाइल्स अवेलेबल है। एंड इसके अलावा दोस्तों अगर आपको कलर्स को चेंज कर रहे हैं तो काफी सारे कलर्स भी आपके लिए अवेलेबल है। इसके बाद दोस्तों ट्रांसपेरेंसी को सेट करना है तो ट्रांसपेरेंसी को भी सेट कर सकते हैं एंड उसके बाद दोस्तों विड्थ को कम ज्यादा सेट करना है तो विड्थ को भी कम ज्यादा सेट कर सकते हैं। तो काफी सारे कस्टमाइजेशन के साथ आपको यहाँ पे एम्बिएंट लाइट का भी फीचर मिल जाता है। एंड इसके बाद दोस्तों डायनेमिक इफेक्ट में और भी काफी सारे शानदार फीचर्स मिल जाते हैं। जैसे कि दोस्तों अगर आपको होम स्क्रीन पे एंटर होने के बाद जो एप्लीकेशन का एनिमेशन है वो अगर आपको चेंज करना है तो काफी सारे एनिमेशन आपके लिए अवेलेबल है। सो अब जैसे ही फोन को अनलॉक करेंगे सो अनलॉक करने के बाद आपको एनिमेशन कैसा चाहिए वो आप इस मेथड से सेट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने एनिमेशन सेट किया तो आप देख सकते हैं एप्पल के iOS स्टाइल जैसा मैंने यहाँ पे एनिमेशन सेट किया था। इसके अलावा दोस्तों बात करेंगे जो फेस अनलॉक का फीचर्स है तो फेस अनलॉक फीचर्स का जो रिकॉग्नाइजेशन का एनिमेशन है वो अगर कोई चेंज करना है सो रिकॉग्नाइजेशन का भी एनिमेशन चेंज कर सकते हैं। एंड इसके बाद दोस्तों फोन को चार्ज करने के बाद आपको जो एनिमेशन चाहिए तो काफी सारे चार्जिंग एनिमेशन भी आपको इसमें देखने को मिल जाते हैं। सो जो इसके अलावा दोस्तों USB को कनेक्ट करेंगे एंड USB को कनेक्ट करने के बाद जो भी आपको एनिमेशन मिल जाता है वो भी आप सेट
सेट कर सकते हैं। बाकी दोस्तों स्क्रीन को ऑन ऑफ करने का जो एनिमेशन है वो भी आप सेट कर सकते हैं। सो ओवरऑल दोस्तों डायनेमिक इफेक्ट में काफी सारे बेहतरीन एनिमेशन आपको मिल जाते हैं, जिसको एक्टिवेट करने के बाद आप इस फोन को और भी ज्यादा कस्टमाइज कर सकते हैं। चलिए दोस्तों बात करेंगे अगले टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में। जैसे कि दोस्तों अगर आप इस फोन के होम स्क्रीन पर बॉटम से स्वाइप करेंगे तो बॉटम में स्वाइप करने के बाद बार बार यहाँ पे ग्लोबल सर्च ओपन हो जाता है। लेकिन दोस्तों अगर आपको यहाँ पे ग्लोबल सर्च की जगह नोटिफिकेशन पैनल को ओपन करना है तो भी आप सेट कर सकते हैं, ताकि आप इस डिवाइस का वन हैंड इस्तेमाल कर पाएंगे। तो टू फिंगर से आपको पिंच ऑफ करना है, उसके बाद हमको जाना है होम स्क्रीन सेटिंग में। एंड होम स्क्रीन सेटिंग में जाने के बाद नीचे के साइड में दे सकते हैं स्वाइप डाउनवर्ड टू होम स्क्रीन के एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है, उसके ऊपर क्लिक करना है। एंड उसके ऊपर क्लिक करने के बाद हमको यहाँ पे नोटिफिकेशन ड्रॉअर को सिलेक्ट करना है। एंड उसके बाद दोस्तों होम स्क्रीन पर बॉटम साइड में स्वाइप करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे नोटिफिकेशन ड्रॉअर ओपन हो जाएगा। तो इस मेथड से आप इस फोन को वन हैंड इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए दोस्तों बात करेंगे अगले फीचर्स के बारे में। तो दोस्तों अगर आपको Vivo T2X डिवाइस में जो रिसेंट पैनल मिल जाता है, सो अगर आपको उसको कस्टमाइज करना है तो उसको कस्टमाइज कर सकते हैं। सो अगर आप यहाँ पे देखेंगे मल्टीपल मोड को सिलेक्ट करना है तो मल्टीपल मोड को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, या फिर दोस्तों अगर आपको हॉरिजॉन्टल मोड में सिलेक्ट करना है तो हॉरिजॉन्टल मोड में भी सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों बात करेंगे इस डिवाइस में आपको स्प्लिट स्क्रीन का भी फीचर मिल जाता है। तो रिसेंट पैनल में जाएंगे एंड रिसेंट पैनल में जाने के बाद किसी भी टैब के ऊपर कॉर्नर पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने स्प्लिट स्क्रीन का फीचर मिल जाता है। तो स्प्लिट स्क्रीन में जाने के बाद आप इस मेथड से अपने फोन में डबल डबल स्क्रीन एक ही साथ ऑन कर सकते हैं। चलिए दोस्तों बात करेंगे अगले हिडन फीचर्स एंड टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में। जैसे कि दोस्तों Vivo T2X डिवाइस में आपको बाय डिफॉल्ट यहाँ पे गूगल का डायलर मिल जाता है, जो कि नॉर्मली काफी सारे लोगों को पसंद नहीं है। एंड अगर आपको यहाँ पे कस्टम Vivo का डायलर इनेबल करना है तो वो भी आप यहाँ पे Vivo का डायलर इनेबल कर सकते हैं। इसके लिए आपको सिंपल जाना है सेटिंग में। सेटिंग में जाने के बाद जाना है एप्स में। एंड एप्स में आने के बाद नीचे के साइड में देख सकते आपको एक ऑप्शन मिल जाता है इनेबल अल्टरनेटिव फोन एंड कॉन्टैक्ट्स, तो सिंपल इसको इनेबल करना है। तो जैसे ही आप इस फीचर को इनेबल करेंगे तो आपको जो अल्टरनेटिव है आप देख सकते हैं चेंज हो जाएगा। एंड यहाँ पे जो Vivo का कस्टम डायलर है वो बाय डिफॉल्ट सेट हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं मैंने अपने फोन में यहाँ पे Vivo का कस्टम डायलर इनेबल किया है, जिसमें हम आसानी से कॉल रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। तो ये काफी आसान तरीका है कस्टम डायलर को इनेबल करने का। तो कोई भी आपको थर्ड पार्टी एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है कॉल को रिकॉर्डिंग करने के लिए। चलिए दोस्तों बात करेंगे अगले फीचर्स के बारे में। जैसे कि दोस्तों इस Vivo T2X डिवाइस में आपको होम स्क्रीन पर विजेट्स ऐड करने का भी सपोर्ट मिल जाता है। सो ऐप ड्रॉअर में जाने के बाद आपको स्वाइप करना है विजेट सेक्शन में, तो विजेट सेक्शन में इस मेथड से विजेट्स ऐड करने का फीचर मिल जाएगा, या फिर दोस्तों होम स्क्रीन पर जाएंगे तो होम स्क्रीन पर भी आपको विजेट्स का ऑप्शन मिल जाता है। तो इस फीचर के जरिए आप अपने होम स्क्रीन पर किसी भी कैटेगरी का विजेट्स ऐड कर सकते हैं, चाहे वो 3D हो या फिर एप्लीकेशन का हो, कोई भी टैब का यहाँ पे विजेट्स ऐड कर सकते हैं। चलिए दोस्तों बात करेंगे अगले फीचर्स के बारे में, जो कि आपको इस डिवाइस में कलर पैलेट का फीचर मिल जाता है। मतलब ये सेटिंग में जो भी सेटिंग के आइकॉन्स है, नोटिफिकेशन पैनल में जो भी आइकॉन्स है, यूजर इंटरफेस में जो भी आइकॉन्स है, उसका कलर बाय डिफॉल्ट चेंज कर सकते हैं। तो सिंपल होम स्क्रीन सेटिंग में जाने के बाद सेकंड ऑप्शन पे आपको UI कलर का फीचर मिल जाता है। सो UI कलर में जाने के बाद आपको बाय डिफॉल्ट जो भी कलर को सिलेक्ट करना है तो आप अपने हिसाब से कलर को सिलेक्ट कर सकते हैं। एंड इसके अलावा दोस्तों अगर आपको यहाँ पे वॉलपेपर के हिसाब से कलर को सिलेक्ट करना है तो वॉलपेपर के हिसाब से भी देखेंगे कलर को सिलेक्ट कर सकते हैं। इसमें काफी सारे डिफरेंट टाइप के कलर पैलेट के ऑप्शंस अवेलेबल हैं। सो आपको जो भी कलर पैलेट फीचर पसंद आता है तो आप अपने हिसाब से उस थीम को चॉइस कर सकते हैं। सो UI कलर का भी काफी शानदार फीचर्स आपको इस डिवाइस में मिल जाता है। इसके बाद दोस्तों बात करेंगे Vivo T2X डिवाइस के अगले सेटिंग्स अगले फीचर्स के बारे में। तो इस फोन में आपको वाईफाई थेटरिंग का भी फीचर मिल जाता है। मतलब दोस्तों आप एक साथ वाईफाई एंड जो हॉटस्पॉट है वो ऑन कर सकते हैं, ताकि आपके फोन में जो भी वाईफाई का इंटरनेट है वो अपने फ्रेंड को यहाँ पे हॉटस्पॉट के जरिए शेयर कर सकते हैं। नॉर्मली बजट फोन में ऐसा फीचर तो आपको देखने को नहीं मिलता, लेकिन Vivo T2X डिवाइस में आपको ये भी फीचर मिल जाता है। इसके बाद दोस्तों Vivo T2X डिवाइस में आपको इनबिल्ट स्क्रीन रिकॉर्डिंग का भी फीचर मिल जाता है। तो नोटिफिकेशन पैनल में जाएंगे एंड नोटिफिकेशन पैनल में जाने के बाद रिकॉर्ड स्क्रीन का एक ऑप्शन मिल जाता है, उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आसानी से देख सकते आप अपने डिवाइस में स्क्रीन को रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। इसमें आपको प्ले पॉज का फीचर मिल जाता है। एंड बात करेंगे दोस्तों कस्टमाइजेशन के बारे में, तो यहाँ पे देखेंगे लॉन्ग प्रेस करने के बाद अगर आपको क्वालिटी को इम्प्रूव करना है, साउंड सोर्सेस में जाने के बाद माइक्रोफोन का साउंड है या फिर सिस्टम का जो साउंड है वो अगर आपको एक साथ ऑन करना है तो भी आप ऑन कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों अगर आपको इमेज की क्वालिटी हाई डेफिनेशन सेट करना है तो हाई डेफिनेशन भी सेट कर सकते हैं। तो इस मेथड से देखेंगे आपको बेसिक टाइप की कस्टमाइजेशन स्क्रीन रिकॉर्डिंग में देखने को मिल जाएंगे।
इसके बाद दोस्तों Vivo T2X डिवाइस में आपको S कैप्चर का भी काफी शानदार फीचर मिल जाता है। सो नोटिफिकेशन पैनल में जाने के बाद S कैप्चर के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे होम स्क्रीन पर देखेंगे काफी सारी शॉर्टकट्स इनेबल करने का फीचर मिल जाता है। जैसे कि दोस्तों अगर आपको यहाँ पे डायरेक्टली स्क्रीन को रिकॉर्डिंग करना है तो स्क्रीन को भी रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। इसके लिए दोस्तों अगर आपको यहाँ पे किसी भी पेज का लॉन्ग स्क्रीनशॉट कैप्चर करना है तो लॉन्ग स्क्रीनशॉट भी कैप्चर कर सकते हैं। इसके लिए दोस्तों बात करेंगे अगर आपके यहाँ पे रेक्टेंगुलर स्क्रीनशॉट है, पार्शियल स्क्रीनशॉट है, फनी स्क्रीनशॉट हो गए, इसके अलावा दोस्तों बात करेंगे GIF जैसे स्क्रीनशॉट वगैरह कैप्चर करना है तो S कैप्चर फीचर के मदद से सारी शॉर्टकट्स आप इजीली होम स्क्रीन पर इनेबल कर सकते हैं। सो S कैप्चर का काफी शानदार फीचर्स आपको Vivo T2X डिवाइस में देखने को मिल जाता है। चलिए दोस्तों बात करेंगे अगले फीचर्स के बारे में जो कि आप अपने Vivo T2X डिवाइस में ऑलवेज ऑन डिस्प्ले फीचर को इनेबल कर सकते हैं। वैसे दोस्तों Vivo T2X डिवाइस में ऑफिशियली आपको ये फीचर देखने को नहीं मिलता, लेकिन दोस्तों अगर आपको मैन्युअली इस फीचर को इनेबल करना है तो काफी इजीली आप अपने फोन में इनेबल कर सकते हैं। एंड ऑलवेज ऑन डिस्प्ले में देख सकते हैं काफी सारे फ्लावर्स आपके लिए अवेलेबल है, काफी सारे डिजिटल क्लॉक्स एंड काफी सारे एनालॉग क्लॉक्स आपको देखने को मिल जाते हैं। इसके अलावा दोस्तों बात करेंगे अगर आपको कलर्स वगैरह कस्टमाइज करना है तो काफी सारे कस्टमाइजेशन मिल जाते हैं। सेटिंग से देख सकते हैं एनालॉग क्लॉक, डिजिटल क्लॉक्स, उसके बाद दोस्तों बैटरी है, उसके बाद देख सकते हैं नोटिफिकेशन से, काफी सारे ऐसे फीचर्स है जो कि अगर आपको AODM में ऑन करना है तो AODM में ऑन कर सकते हैं। एंड इस फीचर को इनेबल करने के लिए सिंपल हमको जाना है प्ले स्टोर में, एंड प्ले स्टोर में जाने के बाद सर्च करना है स्टाइलिस ऑलवेज ऑन डिस्प्ले, तो एक छोटी सी एप्लीकेशन मिल जाएगी ऑलवेज ऑन डिस्प्ले की, जस्ट हमको डाउनलोड करके इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद कुछ परमिशन उसको एक्सेस करना है ताकि आपके फोन में इस टाइप का लेटेस्ट नो ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का फीचर वर्क करेगा। चलिए दोस्तों बात करेंगे Vivo T2X डिवाइस के कुछ हिडन सेटिंग्स के बारे में। तो सिंपल हम जाएंगे सेटिंग में, एंड सेटिंग में जाने के बाद हम जाएंगे कनेक्शंस में। तो कनेक्शंस में जाने के बाद आपको यहाँ पे OTG का सपोर्ट मिल जाता है। सो अगर आपको कीबोर्ड, माउस या फिर जो भी एक्सटर्नल ड्राइव से अगर आपको OTG कनेक्ट करना है सो आपको यहाँ पे OTG का भी सपोर्ट मिल जाता है। एंड इसके बाद दोस्तों स्टेटस बार के सेटिंग को कस्टमाइज करना है तो स्टेटस बार के सेटिंग को भी कस्टमाइज कर सकते हैं। सिंपल हमको जाना है डिस्प्ले के सेटिंग में, एंड डिस्प्ले के सेटिंग में जाने के बाद जाना है स्टेटस बार में। एंड स्टेटस बार में जाने के बाद आप देख सकते हैं आपको यहाँ पे जो नेटवर्क स्पीड का फीचर है वो भी आप इनेबल कर सकते हैं, एंड जो बैटरी परसेंटेज है वो भी आप इनेबल कर सकते हैं, ताकि स्टेटस बार में आपको जो वाईफाई या फिर मोबाइल डेटा को जो इंटरनेट का स्पीड है वो भी शो हो जाएगा, एंड बैटरी बैकअप कितना है वो भी शो हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों Vivo T2X डिवाइस में आपको सिंपल मोड का भी फीचर मिल जाता है। तो लॉक स्क्रीन एंड मैगजीन में जाएंगे, एंड लॉक स्क्रीन मैगजीन में जाने के बाद सबसे लास्ट ऑप्शन आपको मिल जाएगा जो कि है सिंपल मोड। तो यहाँ से आप अपने डिवाइस में सिंपल मोड को इनेबल कर सकते हैं ताकि डिवाइस या फिर जो बैटरी बैकअप है और भी ज्यादा लॉन्ग टर्म चलता रहे। इसके बाद दोस्तों बात करेंगे अगले सेटिंग्स के बारे में जो कि आपको साउंड एंड वाइब्रेशन में मिल जाता है। तो साउंड एंड वाइब्रेशन में जाएंगे, एंड सबसे लास्ट में जाएंगे साउंड क्वालिटी एंड प्रोफाइल्स में। तो सबसे फर्स्ट ऑप्शन देख सकते हैं आपको यहाँ पे ऑडियो सुपर रेजोल्यूशन का फीचर मिल जाता है। सो ऑडियो सुपर रेजोल्यूशन को ऑन करेंगे तो आपके फोन में जो भी ऑडियो क्वालिटी है वो थोड़ी सी इंप्रूव हो जाएगी, मतलब की थोड़ी सी बूस्टेड हो जाएगी। एंड इसके बाद दोस्तों ऑडियो क्वालिटी का देखेंगे, लिसनिंग एक्सपीरियंस कस्टमाइजेशन का फीचर मिल जाता है। मतलब दोस्तों एयर वॉइस अगर आपको यहाँ पे एज ग्रुप सिलेक्ट करना है ऑडियो क्वालिटी के लिए वो भी आप यहाँ पे कस्टमाइज कर सकते हैं। एंड इसके बाद दोस्तों आपको सुपर ऑडियो का भी फीचर मिल जाता है म्यूजिक लवर के लिए, जिसमें देखेंगे स्मार्ट मोड है, मूवी मोड से, गेमिंग मोड से, म्यूजिक मोड से। सो ऑडियो क्वालिटी और भी इम्प्रूव करने के लिए आपको सुपर ऑडियो का भी फीचर मिल जाता है। चलिए दोस्तों बात करेंगे अगले फीचर्स के बारे में। तो इस डिवाइस में आपको ऐप क्लोनर का फीचर मिल जाता है, मतलब की डुअल एप्लीकेशन का भी फीचर मिल जाता है। तो सिंपल सेटिंग में जाएंगे, उसके बाद जाएंगे एप्लीकेशंस में, एंड एप्लीकेशंस में जाने के बाद आपके सामने ऐप क्लोन का फीचर मिल जाएगा, जिसमें देखेंगे फिलहाल के लिए कुछ सोशल मीडिया की एप्लीकेशंस है। तो सोशल मीडिया के जितने सारे एप्लीकेशंस है बस उनका यहाँ पे देखेंगे ऐप क्लोनर क्रिएट कर सकते हैं। तो फाइनली आपको Vivo T2X डिवाइस में ये भी फीचर मिल जाता है। एंड इसके बाद दोस्तों बात करेंगे अगले फीचर्स के बारे में। जैसे कि दोस्तों अगर आपके फोन से नोटिफिकेशन से कोई भी यहाँ पे नोटिफिकेशन मिस हो जाता है तो नोटिफिकेशन में जाएंगे, एंड नोटिफिकेशन में जाने के बाद आपको यहाँ पे नोटिफिकेशन हिस्ट्री का भी फीचर मिल जाता है, ताकि लास्ट 24 आवर्स में जितने सारे नोटिफिकेशन आपको मिले थे वो भी आप यहाँ पे चेकआउट करके देख सकते हैं। बाय द वे आपको यहाँ पे कन्वर्सेशन, चैट बबल जैसे काफी सारे फीचर्स नोटिफिकेशन सेटिंग्स में देखने को मिल जाते हैं। इसके बाद दोस्तों इस फोन में आपको रैम एक्सपेंशन का भी फीचर मिल जाता है। सिंपल हमको जाना है सेटिंग में, सेटिंग में जाने के बाद जाना है रैम एंड स्टोरेज टैप में। तो रैम एंड स्टोरेज टैप में जाने के बाद सबसे फर्स्ट ऑप्शन पे आपको मिल जाएगा एक्सपेंशन रैम का फीचर। तो आपके फोन में जो भी रैम है प्लस आपको 3GB या फिर 6GB का जो रैम है वो एक्स्ट्रा एक्सटेंड हो जाएगा।
चलिए दोस्तों बात करेंगे अगले फीचर्स के बारे में। तो इस डिवाइस में आपको एप्लीकेशन लॉक एंड एप्लीकेशन हाइड का फीचर मिल जाता है। तो इस फीचर को ऑन करने के लिए सिंपल जाना है सेटिंग में। सेटिंग में जाने के बाद जाना है सिक्योरिटी में, एंड सिक्योरिटी में जाने के बाद प्राइवेसी एंड ऐप इंक्रिप्शन का फीचर मिल जाता है। जस्ट आपको पासवर्ड वगैरह सेट करना है, एंड पासवर्ड या फिर पैटर्न को सेट करने के बाद आपके सामने देख सकते हैं यहाँ पे पेज ओपन हो जाएगा। सबसे पहले फीचर मिल जाता है ऐप इंक्रिप्शन, मतलब की एप्लीकेशन लॉक है, एंड सेकंड फीचर मिल जाता है एप्लीकेशन हाइड। तो इन दोनों फीचर्स के मदद से आप अपने फोन में एप्लीकेशंस को हाइड भी कर सकते हैं, एप्लीकेशंस को लॉक भी सेट कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों इस फोन में आपको अल्ट्रा गेम मोड का भी फीचर मिल जाता है गेमिंग करने के लिए। सो नोटिफिकेशन पैनल में जाएंगे, सो नोटिफिकेशन पैनल में आपको अल्ट्रा गेम मोड का फीचर मिल जाएगा। एवं दोस्तों अगर हम जाएंगे सेटिंग में, एंड सेटिंग में जाने के बाद भी आपको सेटिंग में अल्ट्रा गेम मोड का फीचर मिल जाता है। अल्ट्रा गेम मोड में देखेंगे आपको बैलेंस मोड, परफॉर्मेंस मोड या फिर जो बूस्ट मोड वो मिल जाता है, एक्सपोर्ट मोड मिल जाता है, स्पोर्ट मोड मिल जाता है, 4D वाइब्रेशन का फीचर मिल जाता है। एंड इसके अलावा दोस्तों आपको इस फोन में सिस्टम नेविगेशन का भी फीचर मिल जाता है। मतलब दोस्तों अगर आपको फुल स्क्रीन गेशर को इनेबल करना है तो सिस्टम नेविगेशन में जाने के बाद गेशर को भी ऑन कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों आपको पता है कि वीवो के सभी फोन्स में आपको हॉट एप्स एंड हॉट गेम्स जैसे काफी सारे रिकमेंडेशन देखने को मिल जाते हैं, लेकिन अगर आपको इन सारे रिकमेंडेशन को ऑफ करना है या फिर परमानेंट डिसेबल करना है तो आपको सिंपल जाना है वी स्टोर में, मतलब वीवो स्टोर में जाना है। इसके बाद आपको जाना है यहाँ पे सेटिंग में, एंड सेटिंग में जाने के बाद हॉट गेम्स एंड हॉट एप्लीकेशन का जो रिकमेंडेशन उसको ऑफ करना है। सो इसको ऑफ करने के बाद जितने सारे हॉट गेम्स एंड जो एप्लीकेशन के रिकमेंडेशन थे वो यहाँ पे परमानेंटली ऑफ हो जाएंगे। चलिए दोस्तों बात करेंगे Vivo T2X 5G डिवाइस के कैमरा सेटिंग्स, कैमरा फीचर्स के बारे में। तो इस फोन में यार काफी सारे बेहतरीन फीचर्स मिल जाते हैं, जैसे कि वीडियो में आपको फुल HD प्लस में 60 FPS का सपोर्ट मिल जाता है, वो भी यार स्टेबिलाइजेशन के साथ। फोटो में देखें यार काफी सारे फीचर्स मिल जाता है, आई ऑटो फोकस का फीचर मिल जाता है। इसके अलावा दोस्तों काफी सारे आपको ब्यूटीफाई मोड के फीचर्स मिल जाते हैं, एंड सबसे मेन फीचर्स की इसमें आपको यहाँ पे व्लॉग मोड मिल जाता है, जो कि यार एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतने बजट वाले फोन में आपको व्लॉग मोड का फीचर मिल जाएगा। इसके अलावा दोस्तों लाइव मोड फीचर्स है, मोड की कैटेगरी में काफी सारे फीचर्स मिल जाते हैं। लेकिन दोस्तों इस वीडियो में सारे सारे कैमरा फीचर्स कवर करना काफी मुश्किल है, तो उसका एक स्पेशल डेडिकेटेड वीडियो मैं आपको चैनल पे दे दूंगा, तो चैनल पर विजिट करके आप उस वीडियो को जरूर चेकआउट करके देख सकते हैं। तो दोस्तों Vivo T2X 5G Vivo की तरफ से काफी बजट एंड अफोर्डेबल रेंज का 5G फोन है। आपको ये फोन कैसा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। सो फ्रेंड्स आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आ चुका होगा। तो दोस्तों वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, एंड फिर मिलेंगे कुछ ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।